Good morning, class. Welcome to our e-learning classes. Today we will start our new chapter, word packs. ये हमारा chapter number 6 है. हमने अपने previous chapter में क्या सीखा था? MS Paint. Paint क्या होता है? Paint में कैसे different types के हम color कर सकते हैं? कैसे different types के हम उसमें shades लेके आ सकते हैं? हमने ये सब सीखे थे. हम अपने इस new chapter में सीखेंगे word packs. मीन समथिंग हम अपनी कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिखते हैं ना, आप उसे अंडरलाइन करते हो, काफी ब्यूटीफुल सा लिखते हो, आप उसी वर्क को आप कंप्यूटर पे वर्ड पैड पे कर सकते हो. नाउ स्टूडेंट स्टार्ट आवर चैप्टर. फर्स्टली हम देखेंगे, पहले हम एमएस वर्ड पैड कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं. Firstly follow this step. पहले हम इन steps को पढ़ेंगे. क्या लिखा है? Type word pad in the search box. A menu appears showing the result of the search. Second point क्या है? She clicks on word pad. ठीक, देखिए ये हमारा खुल गया. हम यहाँ ये नीचे साइड हमारी, देखिए जब आप कंप्यूटर लैब में जाते हो, हमने अभी आपको अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था कि हम पहले फर्स्टली स्टार्ट बटन जब क्लिक करेंगे तभी हमारे ये सारे ऑप्शंस ओपन होके आएंगे. जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो आप ऐसे भी पा सकते हो, स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक करना ही पड़ेगा. आप जब स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो हमारे ये ऑप्शन ऐसे खुल के आएंगे. ये जो हमारा सर्च प्रोग्राम्स एंड साइट, हम चाहते हैं हमारा वर्ड पैड हमें बहुत ही जल्दी मिल जाए कि हम विदाउट अपना टाइम वेस्ट किए हम अपना वर्ड स्टार्ट कर दें. तो आप यहाँ सर्च बॉक्स में लिखोगे वर्ड पैड. जब आप लिखोगे तो आप देखोगे हमारे पास ये सारे ऑप्शंस खुल के आएंगे. लास्ट से देखिए, हमें फोर्थ नंबर पे हमारा वर्ड पैड मिल जाएगा. जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो हमारा वर्ड पैड ओपन हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट देखिए क्या है. पार्ट ऑफ द वर्ड पैड विंडोज. वर्ड पैड विंडोज के कौन कौन से पार्ट होते हैं? ये जो आपको व्हाइट सा दिख रहा है, हमने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था, पेज में जो हमारा व्हाइट सा दिख रहा था ओपन करने पे, उसे हम ड्राइंग एरिया उसमें कहते थे. बट हम वर्ड पैड में इसे डॉक्यूमेंट एरिया कहेंगे. देखिए इसमें क्या क्या होता है. स्पेस, आपने कुछ लिखा है, आप उसको कॉपी करके दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हो या कट करके दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हो, तो आप जब पेज पे क्लिक करोगे तो हमारा दूसरा वो वर्ड दूसरी जगह आ जाएगा. ठीक, कट का क्या मीन्स है? कट मीन्स समथिंग, आपने कुछ लिखा है, आप चाहते हो कि वो वहां से हटके हमारा यहाँ पे आ जाए, जो देखने में थोड़ा अच्छा सा लगे, तो आप कट की हेल्प से उसे कर सकते हो. कॉपी, आपने यहाँ पे कुछ लिखा है, आप चाहते हो कि हमारा ये जो हमने यहाँ पे मेंशन किया वही चीज हमारी दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाए, तो आप कॉपी की हेल्प से वो कर सकते हो. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपना फॉन्ट स्टाइल, मीन्स आप कुछ लिख रहे हो वर्ड पैड पर बहुत सिंपली एकदम नॉर्मल से उसमें आ रहा है, तो आप चाहते हो वो थोड़ा स्टाइल में, थोड़े से कर्सिव में, मतलब देखने में अच्छा लगे वो है, तो आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो हमारे कई सारे फॉन्ट के स्टाइल आएंगे, आप वहां से क्लिक करके उसे कर सकते हो. यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप फॉन्ट की साइज, मीन 11 पे आप लिखोगे तो छोटे 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 वर्ड लिखेंगे, आप यहाँ से फॉन्ट की साइज चेंज करके उसे बढ़ा सकते हो. हमारे इस पूरे एरिया को हम रिबन बोलते हैं. और यहाँ पे आप बोल्ड में उसे काफी डार्क कर सकते हो. कॉपी पे तो हम ये वर्क खुद से करते हैं, बट हमें अगर वही वर्क हमारे कंप्यूटर पे करना होगा तो हम बोल्ड की हेल्प से उस चीज को कर सकते हैं. फिर हम अंडरलाइन, जैसे हमने कुछ लिखा है, हम चाहते हैं कि उसके नीचे अंडरलाइन हो जाए, तो आप वो भी कर सकते हो. आप चाहते हो कि हम टेढ़े में लिखे तो आप यहाँ से इससे भी इटैलिक को आप हेल्प से वैसा भी लिख सकते हो. ठीक, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो. आपको कोई पिक्चर लगानी हो तो आप यहाँ से पिक्चर लेके उसको भी लगा सकते हो.
नेक्स्ट है हमारा फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में कौन कौन से हमारे ऑप्शंस होते हैं। फर्स्टली हम पहले देखेंगे कि हमने मेंशन मींस लिखा क्या है अपने इस स्लाइड में। द फाइल मेन्यू इज लोकेटेड एट द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ड पैड विंडो। इट हेल्प टू ओपन सेव पेंट एंड क्लोज अ डॉक्यूमेंट। इट ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। मीन्स आप जब ऊपर देखोगे तो देखिए फाइल एडिट व्यू इंसर्ट फॉर्मेट टूल टैब ये सारे आपको ऊपर ऑप्शंस मिलेंगे। बट हमें तो फाइल मेन्यू के बारे में समझना है कि फाइल मेन्यू में आते क्या कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो आप जब फाइल मेन्यू पर क्लिक करोगे तो हमें ये सारे ऑप्शंस खुल के मिलेंगे। फर्स्टली हमने जैसे अपने वर्ड पैड पे एक वर्क कर लिया, हम चाहते हैं कि हमें एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिल जाए। तो आप जब न्यू पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि जो आप वर्क कर रहे थे वो चेंज होके एक ब्लैंक नया सा हमारा डॉक्यूमेंट एरिया हमें मिल गया है। फिर नेक्स्ट क्या है, ओपन। ओपन ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलेगा। मीन्स आपने अपना कुछ वर्ड पैड पे सेव कर लिया, आप चाहते हो कि हम उसे दोबारा से ओपन करके देख ले तो आप ओपन की हेल्प से वो कर सकते हैं। क्लोज मीन्स हमने अपने वर्ड पैड पे वर्क कर लिया, हम चाहते हैं कि अब हम इसे बंद कर दे तो आप उस क्लोज की हेल्प से वो कर सकते हो। सेव आपने से समथिंग वर्क किया, आप चाहते हो कि हम इसे सेव कर दे। हम समथिंग काफी टाइम बाद अगर हम अपना कंप्यूटर ऑन करते वर्ड पैड ओपन करते तो वो हमें उसी चीज से मिले तो आप सेव की हेल्प से वो कर सकते हो। सेव एज की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, सेव एज की हेल्प से समथिंग हमने अपने वर्ड पैड से किया वर्क, हमने उसको सेव कर दिया, ठीक। हम उसको ओपन की हेल्प से फिर से खोल के हम उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते तो आप जब चेंजेस कर लोगे तो आप सेव एज पे क्लिक करोगे तो वो फिर सेव एज मीन्स आपका वो चेंज होके उस तरह में सेव हो जाएगा। ये सारे हमें ऑप्शंस मिलते हैं। प्रिंट, प्रिंट मीन्स क्या होता है, समथिंग आपने कुछ वर्क किया है, ठीक। आपने जो वर्ड पैड पे वर्क किया आप चाहते हो कि वो वर्क हम अपने पास पेपर पे ले ले तो आप प्रिंट की हेल्प से उसका प्रिंट ले सकते हो। नेक्स्ट है हमारा रिबन। रिबन में हमारे क्या क्या आते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं पहले लिखा क्या है। इट इज डिस्प्लेड जस्ट बिलो द टाइटल बार। इट कंटेन्स ऑल द कमांड्स दैट आर नीडेड फॉर कॉमन टास्क इन वर्ड पैड। द कमांड्स आर डिवाइडेड इनटू टैब्स एंड ग्रुप्स। हमने आपको बताया था ना, ये जो पूरा हमारा जिसमें हमारे सारे चीजें आती हैं, हमारे क्लिपबोर्ड फाउंड जो सब आते हैं उसे हम रिबन कहते हैं। देखिए हमारे क्लिपबोर्ड में क्या क्या आता है, पेज कट कॉपी फॉर्मेट प्रिंटर, ये सब हमारे क्लिपबोर्ड में जिसको हम टैब सेक्शन बोलते हैं, ठीक। ये जो हमारा आपको ऊपर बटन दिख रहा है ये ऑफिस बटन है। आप जब ये हमारा फाइल मेन्यू भी है, आप जब उस पर क्लिक करोगे तो हमारे फाइल मेन्यू के सारे ऑप्शंस ओपन होके आपके पास आएंगे। ये है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। होम होम इंसर्ट पेज लेआउट ये इसको हम बोलते हैं टैब। फिर ये देखिए मिनी टूल बार, ये सारे हमारे रिबन्स हैं। रिबन में हमारे ये सारे ऑप्शंस आते हैं, हम यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ठीक। यहाँ से हम अपने फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, नंबरिंग चेंज कर सकते हैं। हम जो समथिंग लिख रहे हैं वो नॉर्मली पहले तो ब्लैक कलर में आएगा, हम चाहते हैं कि उसका कलर चेंज हो जाए तो आप यहाँ से भी उसका कलर चेंज कर सकते हो। ये सब हमारे रिबन हैं, हम इनको पूरा रिबन कहते हैं जिसमें हमारे टैब्स एंड ग्रुप्स आती हैं। नेक्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंट एरिया। डॉक्यूमेंट एरिया क्या है, द वाइट एरिया वेयर यू राइट टेक्स्ट इज कॉल्ड द डॉक्यूमेंट एरिया। हमने आपको बताया ना जब हम अपना
ओपन करते हैं, ठीक, वर्ड पैड हमने ओपन किया, हमने अभी आपको बताया जो ये हमारा व्हाइट एरिया है इस पे हम लिखते हैं, उसे हम डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं। हम प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था, क्योंकि हमें तो पेंट में पेंट करना था, तो वो हमें उसको हम ड्राइंग एरिया बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमको वहां पे अपनी ड्राइंग बनानी, उसे पेंट करना है, बस हमें इतना करना है। बट इसमें हमें वर्ड पैड पे तो लिखना है, तो इसलिए इस ब्लैंक एरिया को हम डॉक्यूमेंट एरिया बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर क्या होता है? फर्स्टली हम पहले देखेंगे लिखा क्या है। इट इज यूज्ड टू मेक द डॉक्यूमेंट अपीयर बिगर और स्मॉलर। ये देखिए, हमारे ये जूम ऑप्शन ऊपर दिए रहेंगे, जब आप जूम पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसा ऑप्शन खुल के आएगा। मीन्स आप जूम स्लाइडर की हेल्प से क्या कर सकते हो, अपने कुछ वर्क किया है वर्ड पैड पे, आप चाहते हो उसको काफी मतलब बिगर बहुत बड़ा करके देखे, तो आप जूम स्लाइडर की हेल्प से उसे करके देख सकते हो, बिगर भी कर सकते हो, स्मॉलर भी कर सकते हो। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो एक साइड आपको प्लस का साइन मिलेगा, एक साइड आपको माइनस का साइन मिलेगा। जब आप प्लस के साइन पे करोगे तो वो आपका जो आपने अपने वर्ड पैड पे वर्क किया वो हमारा बिग बढ़ता जाएगा। जब आप माइनस साइड पे क्लिक करते जाओगे तो वो छोटा 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 स्मॉलर उसमें होता जाएगा। तो जूम स्लाइडर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जूम स्लाइडर की हेल्प से आप अपने किसी भी वर्क को बहुत ज्यादा बिगर, बहुत बड़ा भी करके देख सकते हो, बहुत ज्यादा छोटा भी करके देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी एंड पेस्ट क्या होता है हम वो समझेंगे। फर्स्टली देखिए, फॉलो दिस स्टेप, पहले देखते हैं लिखा क्या है। ही सिलेक्टेड टेक्स्ट रेन रेन फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, द सिलेक्टेड टेक्स्ट इज हाईलाइटेड। नाउ ही प्लेस द कर्सर ऑन द फोर्थ लाइन वेयर ही वांट्स टू डुप्लीकेट द टेक्स्ट। He clicks on the paste command. ठीक, हमने ये अपना वर्ड पैड खोला है, हमने यहाँ पे कुछ लिखा, देखिए यहाँ पे हमने दिया है रेन 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 गो अवे। ये जब हम छोटे से थे तो हमारी मैम लोग ये पोएम पढ़ाती थी, हमने वो तो आपने यहाँ पे लिखा नहीं है, हमने लिखा है विंडोज 7 हैकर्स ऑल अबाउट विंडोज, हमने ये हेडिंग डाली है। तो फर्स्टली देखिए, ये जो लिखा है ये कंट्रोल प्लस सी, ये हमारी कॉपी की शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस बी ये पेस्ट की शॉर्टकट की है समथिंग। ये देखिए, ये जो हमारा लिखा हुआ है विंडोज 7 हैकर्स, हम चाहते हैं कि हम इसी को कॉपी करके दूसरी जगह भी शिफ्ट कर दें। तो आप माउस की हेल्प से अपना कर्सर यहाँ पे लेके जाओगे, कंट्रोल प्लस ए, जब आप कंट्रोल प्लस ए, ये दोनों की आपकी साथ में ही प्रेस होनी चाहिए। जब आप कंट्रोल प्लस ए करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा हाईलाइटेड हो गया, मीन्स ब्लू ब्लू जैसा आपको पूरा शो करेगा। इसका मतलब है हमने जो ये लिखा है वो हमारा सिलेक्ट हो गया है। फिर हमें पहले क्या करना है, कॉपी करना है। तो आप शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हो, अगर आप शॉर्टकट की नहीं चाहते हो तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो समथिंग। आप इसको जब सिलेक्ट कर लोगे तो आप यहाँ पे ये जो आपको दो पेजेस जैसा दिख रहा है, आप इस पे जब क्लिक करोगे तो ये कॉपी हो जाएगा। बट आप अगर शॉर्टकट की यूज करोगे तो वो हमें ज्यादा इजी पड़ेगा। आप कंट्रोल प्लस सी ये भी की साथ में ही प्रेस करोगे, तो आप जब यहाँ पे कंट्रोल प्लस सी करोगे तो ये हमारा टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। आपको अपने डॉक्यूमेंट एरिया में जिस जगह पे ये वर्ड कॉपी करना है आप वहां पे अपना माउस पॉइंटर लेके जाओगे, माउस की हेल्प से वहां पे कंट्रोल प्लस बी ये की ही हमें साथ में ही प्रेस करनी, ये नहीं कि पहले हमने कंट्रोल प्रेस कर दिया फिर बाद में बी करेंगे, नहीं। एक फिंगर अगर हमारी कंट्रोल में रहेगी तो दूसरी फिंगर हमारी बी पे तुरंत साथ में ही दोनों होनी चाहिए, तभी वो हमारा वर्क करेगा। जब आप कंट्रोल प्लस बी करोगे तो आप देखोगे विंडोज 7 हैकर्स हमारा यहाँ भी कॉपी हो गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है, कट एंड पेस्ट। कट एंड पेस्ट हम कैसे करेंगे, फर्स्टली हम पहले पढ़ते हैं लिखा क्या है। फॉलो दिस स्टेप, ही सिलेक्ट द वर्ड पेन, इट इज हाईलाइटेड। ही नाउ क्लिक्स ऑन द कट कमांड, द विंड द वर्ड
film disappears. He placed the cursor after 2 and clicked on the paste command. ठीक, ये हमने लिखा, देखिए हमारी ये शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एक्स, ये हमारी कट की शॉर्टकट की है। हमने आपको भी प्रीवियस में पढ़ाया, मीन्स हमने इससे पहले आपको स्लाइड में बताया था कंट्रोल प्लस सी था तो वो हमारी कॉपी की शॉर्टकट की थी, बट कंट्रोल प्लस एक्स ये हमारी कट की शॉर्टकट की है और कंट्रोल प्लस बी वो तो हमारी पेज की शॉर्टकट की है। देखिए पहले यहाँ लिखा क्या है, रेन रेन गो अवे कम अवे अनदर डे वे चिल्ड्रन वॉन्ट टू प्ले रेन रेन गो अवे होना चाहिए। ये फिर ये रॉन्ग वर्ड है कि नहीं है, ये है, हम तो पोएम पढ़ते थे रेन रेन गो अवे कम अवे अनदर डे लिटिल जॉनी कम टू प्ले, हम ऐसे पढ़ते थे। तो हम चाहते हैं कि ये वर्ड हमारा हट जाए, तो आप अपना कर्सर यहाँ पे लेके आओगे, शिफ्ट के साथ आप अपनी लेफ्ट की प्रेस करोगे, लेफ्ट एरो की, तो आपका ये इतना वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक, आप अगर कंट्रोल प्लस ए करोगे तो हमारी पूरी पोएम सिलेक्ट हो जाएगी, हमें पूरी पोएम तो सिलेक्ट करनी नहीं है, हमें सिर्फ ये वर्ड हटाना है। तो आप शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करोगे तो हमारा सिर्फ ये वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। जब ये सिलेक्ट हो जाएगा तो हम इजी के लिए आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो, कंट्रोल प्लस एक्स, ये दोनों की आप साथ में ही प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस एक्स करोगे तो आप देखोगे हमारा वर्ड यहाँ से गायब हो गया है। ठीक, हमने ये वर्ड गायब कर दिया, हमने अपनी पोएम साइड में लिखी तो हमें देखने में वर्ड पैटर्न अच्छा नहीं लग रहा, हम चाहते हैं कि ये पोयम हम अपनी यहाँ से हटा के बीच में लेके आए, तो आप अपना कर्सर यहाँ रखोगे, कंट्रोल प्लस ए करोगे तो ये हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ए नहीं करना चाहते तो आप शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करोगे जाओगे तो ये हमारा पूरा वर्ड सिलेक्ट होता जाएगा। फिर आप कंट्रोल प्लस एक्स, मीन्स कंट्रोल प्लस एक्स कट की शॉर्टकट की है, ये भी आप साथ में ही प्रेस करोगे, ये नहीं कि पहले आपने वो कट दिया फिर वो करेंगे, ऐसे नहीं, दोनों की साथ में ही प्रेस होनी चाहिए। जब आप कंट्रोल प्लस एक्स करोगे तो हमारा ये यहाँ से गायब हो जाएगा, हमें बीच में लाना, हम अपना माउस पॉइंटर यहाँ लेके आएंगे, कंट्रोल प्लस बी करेंगे तो देखेंगे हमारा ये यहाँ से शिफ्ट हो गया, यहाँ से हट गया है वो। फिर यहाँ पे जब आप कंट्रोल प्लस बी करोगे तो हमारा पोयम यहाँ बीच में आ जाएगा, जो देखने में भी हमें बहुत अच्छा लगेगा। नाउ नेक्स्ट क्या है, हमने देखिए अपने डॉक्यूमेंट एरिया की कौन से टैब्स होते हैं, कौन से कमांड्स होते हैं, हमने वो देखिए, हम उस पर कैसे अपनी पोएम्स लिख सकते, कट कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते, हमने सारे वर्क कर लिए। अब हम चाहते हैं कि हम अपना वर्ड पैड का वर्क सेव कर दें, तो फर्स्टली देखेंगे लिखा क्या है, सेविंग आर डॉक्यूमेंट, हमें अपना डॉक्यूमेंट सेव करना है। Follows this step. He clicks on the file tab. He selects the save option in the left panel. The save as dialog box appears. He selects the location where he wants to save the document in the left panel. He types the name of the file in the file name box. He names in the file. ठीक, ये है हमारा, हम जब ये हमने ये आपको भी पढ़ाया कि इसे हम ऑफिस बटन कहते हैं, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो हमारे ये सारे ऑप्शन खुल के आएंगे, न्यू ओपन कंटेंट सेव, हमें सेव करना है, तो हम जब सेव पे क्लिक करेंगे तो हमें ये ऑप्शन खुल के आएगा, हमें सेव करना है तो सेव ऑप्शन खुल के आएगा, सेव एज करना है फिर भी हमारा यही ऑप्शन खुल के आएगा, आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो हमारा ये ऑप्शन खुल के आएगा, आपका फाइल नेम अनटाइटल्ड दिया रहेगा, मींस हमने उसे किसी भी फाइल नेम से तो हमने उसको सेव नहीं किया था, वहां पे अनटाइटल्ड लिखा रहेगा। आप बैकस्पेस की हेल्प से इसे इरेज करोगे, बैकस्पेस की का क्या यूज है हमने आपको आपके फोर्थ चैप्टर मोर अबाउट कीबोर्ड में समझाया था, आप उसे इरेज करोगे, फिर अल्फाबेट की हेल्प से आप यहाँ पे अपना नेम लिखोगे, फिर आप लोकेशन देखना चाहते
मीन्स आप अपना डेस्कटॉप पे ही सेव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे डेस्कटॉप क्लिक करोगे, फिर सेव पे क्लिक करोगे, आप देखोगे कि हमारे वो आइकन के साथ ही, मीन्स जब हम अपना बंद कर देंगे तो आप देखोगे जो हमारे डेस्कटॉप पे छोटी छोटी पिक्चर्स शो करती है, हमारा ये वर्ड पैड पे जो हमने वर्क किया वो भी हमारे उन्ही आइकन के साथ पिक्चर्स में रहेगा। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेटिंग वर्ड पैड डॉक्यूमेंट। ठीक, हमने कुछ लिखा है, ठीक, हम उसमें डिजाइन, अंडरलाइन, बोल्ड हम कैसे कर सकते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं पहले लिखा क्या है। वी कैन फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट यूजिंग डिफरेंट फॉन्ट, फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट कलर। ठीक, हमने ये वर्ड लिख दिया चेंज डॉक्यूमेंट डाउनलोडेड फॉरवर्ड फॉर द फॉर डिफॉल्ट टू वर्ड पैड, हमने ये लिखा, ये नॉर्मली छोटा सा आएगा। फिर हम कंट्रोल प्लस ए से इसे पूरा सिलेक्ट करेंगे। ठीक, आप जब सिलेक्ट करोगे आप चाहते हो हम अपना फॉन्ट का साइज चेंज करें, तो आप यहाँ पे ऊपर साइड देखोगे यहाँ नंबर लिखा रहेगा 11। आप जब इस पे क्लिक करोगे तो हमारे पास सारे नंबर्स ओपन होके आएंगे, आपको 20, 23, 42 जहां तक आपको चाहिए। आप जब उस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपने अपने डॉक्यूमेंट एरिया में जो भी लिखा है उसका साइज बढ़ जाएगा। ठीक, जब उसका साइज बढ़ जाएगा तो हम चाहते हैं वो बोल्ड हो जाए, फिर आप इसे सिलेक्ट करोगे तो बोल्ड पे क्लिक, ये जो बी जैसा डार्क सा बना रहेगा आप जब इस पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे ये हमारा पूरा ब्लैक डार्क कलर में हो जाएगा। ठीक, फिर आप चाहते हो कि हमारे इसमें अंडरलाइन हो जाए, फिर हमें सिलेक्ट तो करना ही पड़ेगा। सिलेक्ट अगर हम अंडरलाइन के लिए नहीं करना चाहते हैं तो हम अपना कर्सर यहाँ बीच में लेके आएंगे, अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो हमारे इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। बट आप अगर सिलेक्ट करके अंडरलाइन, तो ये यू के नीचे लाइन खींची हुई है वो हमारा अंडरलाइन है, आप जब वो करोगे तो हमारे ये सारे वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। आई मीन इटैलिक, जैसे आपको टेढ़ा टेढ़ा लिखना रहता है तो आप वो भी इसको जब क्लिक करोगे तो हमारे सारे वर्ड टेढ़े टेढ़े हो जाएंगे। आप ऐसे अपने फॉन्ट में फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट कलर, कलर भी चेंज कर सकते हो। जब आप इसे सिलेक्ट करोगे, ये ए के नीचे जो ब्लैक ब्लैक का कलर हुआ यहाँ जब क्लिक करोगे तो हमारे पास कई सारे कलर्स के ऑप्शन खुल के आएंगे। आप वहां से एक कलर जब सिलेक्ट करोगे तो आप देखोगे आपके आपने जो भी लिखा है अपने इस डॉक्यूमेंट एरिया में उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्या है, यूजिंग डिफरेंट फॉन्ट, फॉन्ट साइज, हम अपने फॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं, उसकी साइज हम कैसे चेंज कर सकते हैं। हमने आपको यहाँ बताया था ना, ये एक डिब्बे जैसा बना रहेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा जो उसके नंबर बगल में नंबर्स रहेंगे। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये देखिए ये सारे हमारे ऑप्शंस खुल के आएंगे। ये जैसे लिखा है पतले में, डार्क में, ये देखिए ऐसे जैसे लिखा, आप जब उस पर क्लिक करोगे तो आप जब लिखोगे तो आप देखोगे कि आपका वर्ड भी वैसे ही लिखा है जैसे हमने अपने फॉन्ट की स्टाइल सिलेक्ट की है, वैसे ही हमारे सारे वर्ड्स लिखे हुए आएंगे। और यहाँ जो 11 लिखा है यहाँ पे ही आप क्लिक करोगे तो हमारे नंबर के ऑप्शंस आएंगे, आप वहां से सिलेक्ट करके अपना नंबर भी चेंज कर सकते हो। मीन्स आप चाहते हो कि हम बड़ा लिखे, जब आप यहाँ पे नंबर सिलेक्ट करोगे आप लिखोगे तो देखोगे वो हमारा बिग बिग सा लिखा हुआ आएगा। नेक्स्ट है हमारा फॉन्ट कलर। हमने कुछ लिखा है, हम चाहते हैं कि उसका कलर चेंज हो जाए। हमने अभी आपको बताया था ना, जब आप यहाँ ए पे क्लिक करोगे तो ये देखिए ये हमारे कलर्स के ऑप्शंस खुल के आएंगे। थंब कलर, पहले तो वो नॉर्मल हमारा ऑटोमेटिकली मीन्स ब्लैक वो पहले से ही रहता है, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शन हमें खुल के आएंगे। हम यहाँ से कलर पे, जिस कलर पे क्लिक करेंगे फिर आप लिखोगे तो आप देखोगे कि आपके वर्ड्स, आप जो भी अपने डॉक्यूमेंट एरिया पे टाइप कर रहे हो वो कलरफुल से आ रहे हैं। आप अपने फॉन्ट के कलर, ये ए के नीचे ऐसे देखिए कलरफुल सा बना, आप जब इस पे क्लिक करोगे तो हमारे ये कलर के ऑप्शन आएंगे। आप यहाँ से अपना कलर चेंज कर सकते हो, अपने फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो। मीन्स आप जो लिख रहे हो फिर वो कलरफुल सा आएगा।
नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट. हमने अपने फर्स्ट डॉक्यूमेंट पे वर्क किया, ठीक. अब हम चाहते हैं कि हम एक नया डॉक्यूमेंट खोले, फिर उस पर हम अपना वर्क स्टार्ट करें. फर्स्टली हम देखते हैं पहले लिखा क्या है. क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू एंड सिलेक्ट द न्यू ऑप्शन इन द लेफ्ट पैनल. अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट अपीयर्स, ठीक. जो हमारी ऑफिस बटन थी, आप जब उस पर क्लिक करोगे तो हमें ये सारे ऑप्शंस आएंगे, न्यू, ओपन, सेव एज प्रिंट, प्रिपेयर, ये सारे ऑप्शंस आएंगे. हमें तो एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट एरिया चाहिए अपने लिए. तो आप जब न्यू पर क्लिक करोगे तो हमें ऐसे ऑप्शंस खुल के आएंगे. हमें तो ब्लैंक चाहिए, ये देखिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिखा है. आप जब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ ऐसे ब्लैंक सा आएगा, ब्लैंक जैसा डॉक्यूमेंट आएगा. आप जब क्रिएट पे, आपको क्रिएट पे क्लिक करना पड़ेगा. आप जब क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे हमारा डॉक्यूमेंट एरिया चेंज होके वो ब्लैंक मीन्स न्यू डॉक्यूमेंट एरिया आ गया है. नेक्स्ट है हमारा क्लोजिंग एग्जिटिंग वर्ड पैड. हमने वर्ड पैड पे वर्क कर लिया, उसे सेव करना भी हमने सीख लिया, सारे वर्क हमने कर लिए. अब चाहते हैं हम कि हमारा वर्ड पैड बंद हो जाए, तो वो हम कैसे करेंगे. ऑफिस बटन ही हमें क्लिक करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें वहीं पे ही न्यू, ओपन, सेव एज, ये सारे ऑप्शंस हमें वहां ही मिलेंगे. ये देखिए जब आप ऑफिस बटन पे क्लिक करोगे तो हमारे ये ऑप्शंस खुल के आएंगे. देखिए न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज. हमें तो बंद करना है. आप जब क्लोज पे क्लिक करोगे तो आपका जो वर्क रहेगा वो बंद हो जाएगा. कहीं पे क्लोज आपको लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे एग्जिट लिखा हुआ मिलेगा, वो आपका बंद हो जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स, हमने क्या क्या समझा. वर्ड पैड कैसे ओपन करते हैं, उसमें हम अपने फॉर्म का स्टाइल, कलर, नंबरिंग कैसे चेंज करते हैं, उसे सेव कैसे करते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स के मतलब अपना फॉर्मेटिंग, हमने जो लिखा उसको हम कई सारे अच्छे अच्छे स्टाइल्स में कैसे डाल सकते हैं, हमने ये सीखा. फिर हमने सीखा कि हम उसे बंद कैसे कर सकते हैं. आई होप आप लोगों को समझ आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.